नोबेल गैस का स्ट्रक्चर, नोबेल गैस की भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये भी स्ट्रक्चर एक नंबर का पूछा जाता है। जैसे HCFO का स्ट्रक्चर बनाना हो तो HCFO का स्ट्रक्चर यही होता है। परीक्षा में पूछता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ चिनॉन डाइफ्लोराइड एंड राइट इट्स हाइब्रिडाइजेशन, या पूछ लिया ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ बीच कंपाउंड एंड राइट इट्स हाइब्रिडाइजेशन, तो ये आधा भाग नंबर दो नंबर का होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पूछना है और स्ट्रक्चर पूछना है, स्ट्रक्चर आधा नंबर का और ये जो है आधा नंबर। अब देखिए HCFO का ये स्ट्रक्चर होगा हाइब्रिडाइजेशन, इसमें थ्री डी है क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड, पांच सिग्मा बॉन्ड है, पांच सिग्मा बॉन्ड से इसमें थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को आइडेंटिफाई कीजिए, या दूसरे शब्द में आप कह दीजिए नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। इस फॉर्मूले को याद कीजिए, लोन पेयर ए, फिर दो तीन चार पाँच छह, छह होगा तो एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर लीनियर और HCFO, ये HCFO से आपका हेड्रल है, एक दो तीन चार पाँच छह सात, कितने बॉन्ड पेयर हैं सात, कितने लोन पेयर हैं एक, टोटल आठ। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3। इसके बाद है आपका xef6, इसके बाद सॉरी यहां पे गलती हो गई, यहां पे एक दो तीन चार पांच छह सात, सात होगा xef6 है ना, तो छह थोड़ी होता है एक इसका दो होता है, तो टोटल इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3। अब xef6 में एक दो तीन चार, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसका स्ट्रक्चर है ट्री से, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो इसका जितना भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्ट्रक्चर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर्स में से एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आपका पी ब्लॉक खत्म, अब एक टॉपिक बचा है